तो देखो, ट्रॉपिक लेवल क्या होती है? ट्रॉपिक ईच लेवल इन फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। अब कितनी लेवल्स हो सकती है इस प्रकार से? चार क्यों सर, चार? तीन तीन दो क्यों नहीं? नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक तो प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर्स डिकम्पोजर हाँ, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, खत्म। डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। ओके, सर, ओमनीवरस उससे ज्यादा मिनिमम दो या तीन, दो लेवल रह सकती है, या डिकम्पोजर को आप काउंट करोगे तो तीन लेवल रह सकती है, उससे ज्यादा कितनी रह सकती है? 5, 10, 15, 20, क्यों नहीं पॉसिबल? नो सर, क्यों नहीं है? इतनी ज्यादा क्यों पॉसिबल नहीं है, यही मेरा सवाल है। किसके ऊपर डिपेंड करेगी ट्रॉफिक लेवल कितनी रहेगी? इज द स्टेप इन फूड चेन एट विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। सर, हाँ, आप मुझे कल की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? अरे यार, सर, देखेंगे नहीं के लिए का देखेंगे देखेंगे, ठीक है। चलो अभी इसकी तरफ ध्यान दो। सो ट्रॉपिक लेवल ये वो लेवल है जहां पर ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये लेवल्स कितनी रहेगी? इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबल फूड। अगर इनफ फूड ही अवेलेबल नहीं है तो उससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जैसे हम देखते हैं कि एक आधे जंगल में अगर खाना नहीं है तो वहां का शेर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाता है, या मर जाता है खाना नहीं मिला तो। होता है ऐसा? यस सर। डेफिनेटली नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स डिपेंड्स ऑन अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल दैट इज अवेलेबल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है। सो इस ट्रॉपिक लेवल का एनर्जी पिरामिड बनता है। हम कहेंगे द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट अ ट्रॉपिक लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अबाउट द फूड चेन, दस इट फॉर्म्स अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कैसा? तो देखो, तो कीजिए सर कीजिए सर, मार्क्सिस्ट सर स्लाइड। मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट हो गया। दो सर, 2 मिनट 2 मिनट है।
सर फॉर्म्स नंबर का फॉर्म्स अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर डन सर। चलो देखो तो ये इस प्रकार से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अवेलेबल मैटर as well as energy as well as number of organisms goes on decreasing ये decrease होते जाते हैं तो सबसे नीचे रहेंगे आपके प्रोड्यूसर्स उसके ऊपर रहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर रहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी के ऊपर रहेंगे टर्शियरी या ओमेगा तो इसलिए आप देखोगे नंबर ऑफ प्लांट्स ये बहुत ज्यादा है थर्ड लेवल सेकंड फर्स्ट एंड ये प्रोड्यूसर्स ठीक है यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे यहाँ पर हर्बीवोर्स आ जाएंगे देखो इनका नंबर आप कभी जंगल में गए हो तो इनका नंबर ज्यादा रहेगा कार्निवोर्स का नंबर और कम रहेगा और इसके ऊपर टॉप कंज्यूमर Not necessarily omnivores. आपके इसमें omnivores लिखा है पर ये इस प्रकार से आ जाएगा सर टॉप कंज्यूमर्स मतलब टॉप कंज्यूमर्स मतलब जो अपन है ना कुत्ते को भी खाएंगे बकरी को भी खाएंगे उनको खाने वाले को भी खाएंगे तीतर बटेर भी खा लेते अपन सही है ना वो थोड़ा सा चीन बीन साइड चले जाओ तो वो छिपकली yes, वो क्या अभी जिसके कारण सब प्रॉब्लम हुआ वो चंगादर बिंगादर छुपा देते फिश को खा लेते कोरल्स कोरल्स को छोटी फिश खाएंगी छोटी फिश को बड़ी फिश खाएंगी बड़ी फिश को अपन खाएंगे या जैसे लेपर्ड हो गया ना अब घास फूस को रैबिट खाएगा रैबिट को जंगली कुत्ता खाएगा जंगली कुत्ते को लेपर्ड खाएगा या यहाँ पर ईगल आ जाएगा ईगल सांप को खाएगा सांप मेंढक को खाएगा मेंढक चाहे से बीच में ग्रास ऑपर आ जाएगा ग्रास ऑपर ग्रास खाएगा बट आप देखो इनका नंबर कम होते जाता है ठीक है अब जैसे ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स है वैसे ही ऐसी एनर्जी लेवल्स भी यहां पर रहेगी ठीक है क्योंकि देखो यहां पर एक चीज आ जाती है कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा क्यों कहेंगे
क्योंकि जो कुछ भी एनर्जी हमारे अर्थ पर आ रही है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. फिर क्या होगा, ये सनलाइट ये प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स यूज करके उनका फूड बनाएंगे. उनके फूड पर हर्बीवोर्स जिंदा रहते हैं, हर्बीवोर्स पर कार्निवोर्स जिंदा रहते हैं, कार्निवोर्स पर टॉप कंज्यूमर जिंदा रहेंगे. सो बेसिकली ये जो सब लोग हैं इनके एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कार्निवोर से आएंगी. कार्निवोर्स को उनके एक्टिविटीज के लिए भी एनर्जी चाहिए और उनकी कुछ एनर्जी है टॉप कंज्यूमर्स को मिलने वाली है जब वो उनको खाएंगे. तो ये एनर्जी कार्निवोर्स के पास हर्बीवोर्स के पास आएंगे. अब हर्बीवोर्स एक रैबिट को पकड़ लेते हैं तो रैबिट सांस लेगा, रैबिट घूमेगा, भागेगा, दौड़ेगा, कछुए के साथ रेस लगाएगा और कुछ एनर्जी उसके बॉडी में रहेगी. वो ये कार्निवोर्स के पास जाने वाली है. रैबिट के पास ये एनर्जी कहाँ से आई, तो ये प्लांट से आई. प्लांट्स के पास एनर्जी कहाँ पर आई, प्लांट के पास एनर्जी आई सनलाइट से. सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हो गया, सर? ठीक है. अब ऐसा होगा क्या कि पूरी की पूरी एनर्जी सन की पूरी पूरी एनर्जी प्लांट्स ले सकते हैं? तो नहीं, ठीक है. फिर क्या होता है, कितनी एनर्जी आगे जाती है? सो देखो इसका इस प्रकार का एनर्जी का भी पिरामिड है. तो इसे 10% रूल कहा जाता है. कौन सा रूल कहा जाता है, 10% रूल. सो 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल. सो सपोज यहां पर जो है इन्होंने 10,000 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी अपने पास जमा करके रखी, ठीक है. अब इसमें से 10% कितनी होगी, 1000. 10,000 इंटू 10/100, थाउजेंड किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी. इसकी 10% मतलब 100. इसकी 10% मतलब 1 0 1. इसकी 10% वन आएगी, पर 1 किलो कैलोरी में कोई जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि वो एनर्जी उसकी लाइफ की एक्टिविटीज के लिए बहुत बहुत कम है. और ये एनर्जी एक्चुअली डिसाइड करती है कि इस टॉपिक इस फूड चेन में कितनी लेवल्स रहेगी, क्योंकि उतनी एनर्जी टॉप मोस्ट जो रहेंगे उनको अवेलेबल रहनी चाहिए. अगर उतनी एनर्जी उनको मिल नहीं रही है तो वो खत्म हो जाएंगे. क्या बात ध्यान में आ रही है? यस सर, यस सर. सो ये डिसाइड होता है अवेलेबल एनर्जी के ऊपर कि उस फूड चेन में कितनी लेवल्स रहेगी. एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अगर एग्जांपल लेते हैं हम, सो ये रहेंगे मछली खाने वाले ह्यूमन या बियर. पोलर बियर मछली खाता है, ये खाएंगे फिश. फिश खाएंगी, क्या नाम है इनका बाबा, जूप्लैंक्टन. और वो खाएंगे फाइटोप्लैंक्टन. अगर अपना सिंपल अपनी एखादी फूड चेन अगर अपन कंसिडर करेंगे तो यहां पर रहेगा ग्रास. ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाने वाला है कौन खाएगा, फॉक्स. और फॉक्स को खाएगा लायन या टाइगर, सही है क्या? या इसको
जंगली कुत्ता जिसे ढोल कहते हैं वो खाएगा, और ढोल को खाएगा लेपर्ड। और इसलिए आप देखो जंगल में इनका नंबर कम रहता है, इनका नंबर उससे ज्यादा रहेगा, इनका नंबर बहुत ज्यादा रहेगा, और इसका नंबर बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा रहेगा। इसलिए आपको भी जंगल में एंट्री मारोगे तो आजू बाजू में पेड़ ही पेड़ है, एक्चुअली पेड़ ही पेड़ जहां पर रहते हैं उस जगह को अपन जंगल कहते हैं। सबसे पहले डियर, रैबिट, ये घास फूस खाने वाले हर्बीवोर्स दिखाई देंगे, सांबर, चीतल। yes, तो कभी कभी उनको खाने वाले ढोल, लेपर्ड, फॉक्स ये दिखाई देंगे, और फिर उनको खाने वाला कोई देख गया तो फिर जिंदगी लाइफ बन जाती है। टाइगर देख लिया, एक बार जिसने टाइगर देख लिया वो साल भर तो कम से कम लोगों को बताता है अरे मैंने टाइगर देखा, टाइगर देखा। होता है ना ऐसा? यस सर। ठीक है, सो अब एक चीज आप देखो, ये जो एनर्जी ट्रांसफर है इट इज वन वे। अब इसके आगे क्या होगा, ये ह्यूमंस के पास जो एनर्जी गई उसका क्या होगा? ये एनर्जी डिकम्पोजर्स को अवेलेबल हो जाएगी, क्या सही है? यस सर। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? वो एनर्जी सॉइल को वापस, सॉइल को वापस करेंगे। यस सर। टॉप कंज्यूमर्स और फॉर दैट मैटर इन डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज यूटिलाइज्ड बाय इन डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज यूटिलाइज्ड बाय डिकम्पोजर्स ठीक है, वेयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वन एंड रिटर्न टू एनवायरनमेंट but energy released in the process remains with atmosphere and not रिटर्न टू सन। सन के पास वापस जाती है कि ये? नो सर, नहीं। इसलिए हम एनर्जी की, एनर्जी का फ्लो ये वन वे रहता है ऐसा कहते हैं। हेंस पैसेज ऑफ एनर्जी It's considered as one way. सन से सिर्फ आती ही है, वो अपने यहां ट्रैप होती है, ठीक है। कुछ एनर्जी हम
सराउंडिंग को दे देते हैं, बट मेनली एनर्जी का जो फ्लो हम कंसीडर कर रहे हैं इट इज वन वे फ्लो. क्या सही है? यस. तो शायद से इनके नीचे सोर्स ऑफ एनर्जी करके क्या देना चाहिए? सनलाइट. यहाँ पर एनर्जी का सोर्स रहेगा. सनलाइट से एनर्जी ये हर्बीवोर्स में जाएंगी, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में जाएंगी, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स या एपेक्स कंज्यूमर्स के तरफ जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी पिरामिड. क्या सही है? Yes. So, yes, sir. हाँ, so एनर्जी पिरामिड के साथ दो चीजें ध्यान में रखनी है. क्या? So, कितने परसेंट एनर्जी ट्रैप होती है? 10%. नहीं. So, producers, सर मैप के स्लाइड. तो बिल्कुल जाएंगे. प्रोड्यूसर्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी. सर ते प्रोड्यूसर्स सेलिंग बरोबर नहीं. प्रोड्यूसर्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी. 1% ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम सनलाइट विच फॉल्स ऑन देयर लीव्स and convert it into food. And in all other tropic levels, टेन परसेंट ऑफ फूड एनर्जी कंज्यूम इज मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. क्या सही है? Yes, sir. Yes, sir. This limitation of available energy decides, this limitation on available energy decides number of tropic level and hence number of consumers and also number of organisms
in that level. ठीक है, कितने ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो डिपेंड करता है. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सर मैं आपकी स्लाइड देख लो बाबा. कैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे प्लांट्स? What would happen? The decomposers in ecosystem vanishes. बोलो क्या होगा? What would happen if all the snakes at a tropic level suddenly vanishes? And why number of apex consumer or tertiary consumer is always less than lower tropic level? Because they do not have predators. Aisa hai? Predators to hai. देखो ये बहुत एक्चुअली ये ऐसा सवाल है, आखिरी वाला सवाल, कि जिसको आपने पूरा समझ लिया ना तो जिंदगी का सार मिल जाएगा आपको. नहीं तो सिर्फ 2 मार्क भी मिलेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है. तो पहला बता दो, अगर डिकम्पोजर्स फैनिश हो गए तो क्या हो जाएगा? बोलो. प्लांट्स को वापस न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे, और क्या होगा? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? हर्बीवोर्स को खाने को कुछ, हर्बीवोर्स को खाने को कुछ नहीं मिलेगा. ओके, बहुत बढ़िया. उसके आगे क्या होगा? फिर हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन कम हो जाएंगी. हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन कम हो गई तो फिर कार्निवोर्स मर जाएंगे. ओके, उसके ऊपर के ट्रॉपिक लेवल वालों के खाने के वांदे हो जाएंगे तो वो मरना शुरू हो जाएंगे. एंड एक्चुअली इस प्रकार से पूरी फूड चेन एंड फॉर दैट मैटर पूरी वैनिश हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. और इसलिए डिकम्पोजर्स भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. कौन कौन आता है डिकम्पोजर्स में? बैक्टीरिया और बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जनरली कहाँ रहते हैं ये? प्लांट्स के रूट्स में. प्लांट्स के रूट में, जमीन में, क्या सॉइल, सॉइल में. क्या हम सही में उनके बारे में सोचते हैं क्या? No, sir. आप अगर जरा थोड़े से गहराई में जाकर सोचोगे तो एक्चुअली इनके बारे में नहीं सोचा है, इसके लिए फार्मर सुसाइड कर रहे हैं. क्योंकि जब जब हम पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर डालते हैं, हम जमीन से इनको खत्म करते हैं. जैसे जैसे जमीन से ये खत्म हो गए, ये
कि नेचुरल साइकिल खत्म हो गई। नेचुरल साइकिल खत्म हो गई मतलब ये ऐसा आदमी बन गया जो सिर्फ दवाई पर जिंदा है। नेचुरली वो खाता पीता बढ़िया पचाता था, अब क्या हुआ हमने उसको ऐसी चीजें खिलाई कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी जो नेचुरल सिस्टम है वो खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है आपको उसको दवाई दो तो वो जिंदा रहेगा, दवाई नहीं दी तो वो मर जाएगा। ऐसे ही हमारी एग्रीकल्चर बनी और ऐसी खेती बनने के कारण अब पैसा डालना ही पड़ता है और वो पैसा नहीं मिला तो अपना फार्मर सुसाइड करता है। बिल्कुल सिंपल चीज है जो ध्यान में नहीं दी इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। पर ये डिकम्पोजर जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? प्लांट्स की। डेड एंड डिकिंग मैटर रहना चाहिए, ठीक है। आम्ही सगळे जण आमच्या अंगणात नुसते टाइल्सच लावू, पत्ते अपने को खराब लगेंगे, कचरा झाड़ना जान पर आएगा, तो दो चीजें होने वाली है, डिकम्पोजर खत्म हो जाएंगे, कमर की बीमारी लग जाएगी। नहीं नहीं, झाड़ा खूब कचरा पड़तो म्हणून झाड़ तोड़ून टाकतो। ये सब अपने पढ़े लिखे लोग गांव में रहते हैं, मैं खुद की आंखों से देख रहा हूँ। गए 10 सालों में हमारे आजू बाजू के सभी घर के आंगन गायब हो गए, उसके जगह बड़े ग्रेनाइट लगा दिए के अब पेविंग ब्लॉक्स लगा दिए, फ्लोरिंग कर दिया। मेरे घर में फ्लोरिंग, अब फ्लोरिंग आ गया, मिट्टी गायब हो गई, उसमें भी हमने अभी सीमेंट के रोड बना दिए। ये डिकम्पोजर्स के लिए मिट्टी कहाँ पर अवेलेबल है? नहीं नहीं, फिर वो हा 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 लाफिंग क्लब में जाना पड़ता है पैर को मिट्टी लगने के लिए। ये पढ़े लिखे लोग है, पढ़े लिखे इंसान है क्या? आपके आजू बाजू में भी यही सीन है क्या? यस सर। हाँ, तो सोचना हम सिर्फ एजुकेटेड है या सिर्फ सिग्नेचर करने वाले साक्षर लोग है, दिमाग यूज करते हैं या नहीं करते, सोचना थोड़ा सा। 99% लोग नहीं करते। जरा शहरों के सर्विस गली में जाकर देखना, जो ऐसे पढ़े लिखे लोग है ना जो कचरा फेंकना नहीं चाहिए वो कचरा पीछे फेंकते हैं। यस सर। हाँ, ये सब अपने पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ सर। और इसलिए ये जो ये है ना, ये प्रॉब्लमेटिक बन चुके हैं, अभी इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसके कारण पूरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रही है। क्योंकि सर, वो क्यों बढ़ रहे हैं? पर वो क्यों बढ़ रहे हैं, दो तीन रीजन है। एक, हमने बाकी को मार दिया। दूसरा, साइंस की इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है जहां पर अपने जैसे लोग बढ़ रहे हैं जो सोचे बिना साइंस को डेवलप कर रहे हैं। ऐसा मुझे जो माणूस मरायला पाहिजे त्याले आपण 20-20 वर्ष जीवन तो ठेवतो, और जो जीना चाहिए उसको मार देते हैं जबरदस्ती, ठीक है। सो हम इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पेड़ ने जिंदा रहना चाहिए पर नहीं, आमचा घर हमारा घर बांधायचं आहे तिथे हमने जंगल तोड़ दिया। नहीं नहीं, वो हमने जंगल में घर बनाया, अब हमारे घर में अगर शेर आ रहा है, नहीं नहीं, वो शेर मैन ईटर टाइगर बन गया, उसको मार दो। हम लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, खेत में घर हमने बनाया, हम सबके घर जहां पर है पहले पुरानी खेती थी, अब सांप आ गया तो नहीं नहीं सांप को मार दो। हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हम उसकी कीमत दे रहे हैं। आज हमने डिस्ट्रॉय किया इकोसिस्टम। दुनिया का सबसे घटिया जानवर, सबसे घटिया एनिमल अगर कोई है तो दैट इज ह्यूमन बीइंग। सबसे घटिया, सबसे yes, सबसे घटिया, बिल्कुल कहीं पर भी लिख लो आप, जो किसी के भी बारे में सोचता नहीं। और उसमें सबसे लीडिंग रोल किसका है? जो एजुकेटेड है, जो हाइजीन के बारे में बात करता है, ऐसे सब लोग सबसे आगे है उसमें। हाइजीन के बारे में बात करते हैं, प्लास्टिक के कप में खाते और वहां पर फेंक देते। नहीं नहीं, डिस्पोजल पाहिजे, भांडे धोने जी और इतने। ये सब हम लोग है। नहीं नहीं, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी, जितनी बड़ी गाड़ी उतना पोल्यूशन ज्यादा करेगी। घर में रहने वाले दो, और घर इतना बड़ा चाहिए कि झाड़ना पूछना होते कामाल चार लोगों को ठेवा लगता है।
ये हम पढ़े लिखे लोग हैं, जिसने मैंने आपको पहले ही बोला ये आखिरी सवाल के बारे में अगर आप सोचोगे तो जिंदगी का सार मिल जाएगा आपको इसमें। और ये हम कर रहे हैं, यू बिलीव इट और नॉट, ये हम लोग कर रहे हैं। एंड मैं भी उसमें से एक्सेप्शन नहीं हूं, मैं भी उसी ह्यूमन बीइंग, वही दुनिया के सबसे घटिया कैटेगरी का एक पार्ट हूं। हम भी वो काम करते हैं, बिना सोचे कुछ चीजें करते हैं, कभी जबरदस्ती करते हैं, कभी करनी पड़ती है, बट हम करते हैं। सो द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन कि हमारी ये सभी एक्टिविटीज को इस प्रकार से सोचना, इसलिए वो गांव के पुराने लोग थे ना, वो लोग बड़े बढ़िया थे। आपने देवराई नाम का कंसेप्ट सुना होगा। ये देवराई नाम का कंसेप्ट इस प्रकार से था कि एक कुछ जंगल रहता था, उस जंगल का एक पत्ता भी वो लोग उठा कर नहीं लाते थे। क्यों नहीं उठा कर लाते थे? तो अभी रिसर्च करने के बाद 50, 100, 200, 500 लोगों ने पीएचडी करने के बाद ध्यान में आया, अरे वो तो डेड डिकेइंग मैटर जंगल में छोड़ते थे सो दैट डिकम्पोजर्स रहते थे, और डिकम्पोजर्स रहने के कारण वो साइकिल चालू रहती थी। ये उनको बिना पढ़े लिखे किसी कॉलेज में जाए बिना किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी किए बिना उनको पता था। दे हैड विजडम, उनके पास डिग्री नहीं थी, शहाणपना होता। अपने पास डिग्री है, शहाणपना नहीं है। सो आप सुनर और लेटर देखो, हम सभी पुराने चीजों पर जा रहे हैं। अभी 2-4 साल पहले पद्मश्री किसको मिला पता है? जिसने पुरानी सीड्स, पुराने बीज जमा करके रखे उसको। क्यों? क्योंकि पुरानी ऐसी चीजें थी, पुरानी सीड्स उस एरिया की पर्टिकुलर ऐसे पेड़, ऐसे क्रॉप्स थे, वो उस एनवायरनमेंट में टिकते थे। नहीं तो फिर ऐसा होता है, वो ऐसा कुत्ता अपन घर में जाते हैं, उसके लाड़ प्यार अपने घर के छोटे बच्चे से ज्यादा करने पड़ते, क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट का नहीं है, वो कुत्ता करके कुछ काम का नहीं है। कुत्ते का जो काम है प्रोटेक्शन करना, वो कुछ कुछ काम का नहीं है। वो उसको ऐसी लगता है, उसको खाने के लिए आपसे ज्यादा पैसे लगते हैं। तो ऐसी सीड्स, ऐसी या हाइब्रिड वैरायटीज अभी अपने आ गई, और अब जाकर खेती वाले चिल्लाते हैं, अरे नहीं आम्ही ती बियाणे पेरलं उगवलंच नाही, आधी आगाऊपणा कोणी केला। तो ऐसी ये पूरी सिस्टम अपनी अभी फंसी हुई है। और इसलिए ये जो चैप्टर है या ये जो पूरा इकोलॉजी या एनवायरनमेंट रिलेटेड पार्ट है, आप इसे जितना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे उतना आपको इसका फील आएगा, आप आजू बाजू की चीजें समझ लोगे। अब ये बीच वाले क्वेश्चन का आंसर कर दो, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द स्नेक्स, मैंने स्नेक्स फॉर एग्जाम्पल लिखा है, ऑर्गेनिज्म एट अ ट्रॉपिक लेवल सडनली वैनिशेज, सडनली डिसअपियर हो गए, तो क्या होगा? फूड चेन में प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे कैसे प्रॉब्लम आएगा? ऊपर वालों को खाना नहीं मिलेगा और नीचे वाले बढ़ जाएंगे, नीचे वालों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, सो ये इंबैलेंस हो जाएगा। और ये जैसे ही बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, काम डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए बैलेंस जरूरी है। आपने ये सुना है या नहीं पता नहीं, कुछ साल पहले एक ऐसा किस्सा हुआ था अपने यहाँ, ये पोहरे के जंगल में कुछ लोगों ने एक हिरण को एक अजगर खा रहा था, तो उनको अरे बहुत बुरा लगा, अरे बाप रे ऐसा कैसा हो रहा है, इस हिरण की तो जान जा रही है, हिरण का छोटा सा बच्चा है, इसलिए अजगर को मार दिया। उसके पेट में से हिरण के बच्चे को निकाला तो ध्यान में आया वो हिरण का बच्चा भी मर गया। अब हिरण का बच्चा भी मर गया, अजगर भी मर गया। अब 5-10 साल के बाद हम लोग चिल्लाते हैं, वो हिरण हमारे खेत में आकर खाना खा रहे, सब फसल खा लेते। गलत जगह पर इंटरफियर कर दिया। नेचर के सिस्टम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। नेचर सबसे वाइज है, सबसे समझदार कौन है? तो निसर्ग, नेचर। ठीक है, इसलिए आपने कुछ बुजुर्ग लोगों को सुना होगा कि ये ना, ये इस प्रकार से आपदा, डकफुटी, फ्लड,
कोरोना ये सब आने वाला है क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं, ये होने ही वाला है बोलते हुए, प्रलय येणारच है ऐसा वो कहते हैं, क्योंकि उनका बिलीव है कि आप नेचर को इस प्रकार से डिस्ट्रॉय करते रहोगे, अपने मन से चाहता जैसी चीजें बनाते जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आप नेचर के रूल्स फॉलो नहीं करेगे तो नेचर आपको एक झटके में खत्म कर दे, एक झटके में, पता भी नहीं चलेगा। जैसे कोरोना है, जैसे अभी ये इतना लैंडस्लाइड हो रही है, एक झटके में 20 50 40 लोग खत्म हो जाते ना, एकादा ऐसे कोरोना आ गया, गए दुनिया के 10 लाख 50 लाख लोग खत्म, ऐसे और कुछ आएंगे, और वो नेचर के साथ रहने वाले वो लोग बिल्कुल खुशी एकदम बढ़िया से रहेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार ये सब हमारे एक्चुअली ये हमारे से रिलेटेड सब चीजें हैं, इनको जितना अच्छे से समझ लोगे उतने समझदार बनकर आप आगे जाओगे, ठीक है। यस सर। ओके, सो विद दिस अब हमारा एनर्जी पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम और उसका हमारे लाइफ का रिलेशन ये समझ लेते हैं। अब सिर्फ ये जो साइकल्स है डिकम्पोजर्स के बाद जो रिटर्न चीजें होती है, ऐसी तीन साइकल हम कल के क्लास में देखेंगे, ओके सर। ठीक है, कौन कौन सी साइकिल देखनी है, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया।